ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, चल रही है क्लास टू डायमेंशन मोशन की। और बच्चों, टू डायमेंशन मोशन में कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा दिया था भाई साहब आपको? कल टू डायमेंशन मोशन में हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली थी। क्यों भाई प्रियांशु? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे बेटा हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। ओके, सो आप लोग जल्दी से फॉर्मूला बच्चों बना लो अपनी कॉपी में एंगुलर वेलोसिटी का। सबसे पहले फॉर्मूला बना लो भाई, क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर के मैं चैप्टर को उठा रहा हूँ। ओके, इसलिए पुरानी बातें थोड़ी सी करूंगा यहाँ पर मैं। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों कैसे लिखेंगे? लिखो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। कैंसिल कर दे यार। ओके, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर डेल्टा थीटा क्या होता है बेटा? तो डेल्टा थीटा होता है चेंज इन एंगल। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंगल। एंड डेल्टा टी क्या होता है बेटा? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम आपको बच्चों समझने की जरूरत है, क्योंकि वीडियोस बन रहे हैं तो बस आपको समझना है, फोकस करना है आपको समझने पे। लिखा हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, बस आपको समझना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मैं आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता हूं। ये क्या है? ओमेगा की एवरेज वेलोसिटी है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा डी थीटा बाई डी टी। तो आपको ये फॉर्मूला तो आना चाहिए। और इसके बाद ये डी थीटा बाई डी टी क्यों होता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब पलक झपकते ही किसी पॉइंट पर। जैसे मान लो किसी रास्ते से जा रहे हो और मैंने पूछा इस पॉइंट पर आप अपनी वेलोसिटी बताओ, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। अब आप सोच रहे होंगे नए बच्चे की भैया ये ओमेगा क्यों लगा दिया सर, यहां तो आप वी कह रहे हो। क्योंकि बेटा जब आप रोटेशन करते हो तो वी नहीं काम में आता, उस समय क्या काम में आता है? ओमेगा। क्या काम में आता है? ओमेगा। क्योंकि रोटेशन के सेंस में बेटा आप एंगल ट्रेवल कर रहे होते हो। क्या ट्रेवल कर रहे होते हो? एंगल। देख लो ना, ये एंगल बन रहा है ना बेटा बीच में, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा थीटा। सो बेटा कल की बात है, ये हमने कल तक पढ़ा दिया था। ओके, सो क्या है? हाँ, क्या बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर इसको डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब टाइम को बहुत कम कर दोगे तो ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है ना? इसकी यूनिट देख लीजिए, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और ये एक एक्सियल वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ रोटेशन निकाली जाती है। चलिए थोड़ी सी बता दूं मैं आपको एक्सियल वेक्टर का मतलब। देखिए, मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ये बताओ, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि यहां पर देखो ये 12 o'clock है और यहां पे क्या है? 9 o'clock है। तो यहां पे 12 o'clock है, यहां पे 9 o'clock है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है ना? ये जो क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देन अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, ये देखिए इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा था, तो क्या करना है आपको? आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए और कर्ल करके देखिए कि कहां जा रहा है आपका अंगूठा? ऊपर की ओर। कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। तो जो इसका ओमेगा जनरेट होगा बच्चों, कहां जनरेट होगा? ऊपर की ओर। ओमेगा कहां जनरेट होगा? ऊपर की ओर। राइट, समझ में आया? तो आपको करना क्या है बेटा? आपको जो है अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कर्ल करना है। और जिस तरफ आपका डायरेक्शन जाएगी थंब की, वो होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। बोलो, डन, क्लियर है ना? सो यस, ये लिखा है इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो एक्सेस में काम करता है। जो किस में काम करता है? एक्सेस में। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। चाहे स्क्रू रूल बोलो या थंब रूल बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है गाइस? तो बच्चों कल तो हमने यहां तक कर लिया था, आज एक्चुअली हमें पढ़ना है यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों दो प्रकार की वेलोसिटी होती है यहां पे दो टाइप की वेलोसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है लीनियर वेलोसिटी और एक है एंगुलर वेलोसिटी। तो चैप्टर 3 आपने पढ़ लिया है और आप लीनियर वेलोसिटी जानते हैं कि व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो बेटा? इसको बोलते हैं हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और ये तो नीचे तो क्या है? चेंज इन टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंज इन
टाइम. सो दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. सेकेंड है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा इक्वल टू चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन एंगल एंगुलर चेंज इन एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चेंज इन एंगल को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना? टाइम. अब देखो बच्चों, तो अगर आप किसी सर्कल में मूव कर रहे हो तो आपकी एट ए टाइम दो वेलोसिटी बन सकती हैं, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी. अगर आप किसी सर्कल में मूव कर रहे हैं तो एक ही समय में आपकी दो वेलोसिटी बन सकती हैं, एक है लीनियर वेलोसिटी और एक है एंगुलर वेलोसिटी. कैसे बन सकती हैं जरा देख लो. एक ही टाइम में दो वेलोसिटी आप कहोगे कैसे बन सकती हैं, तो देख लेते हैं अपन कैसे बन सकती हैं एक ही टाइम में दो वेलोसिटी. मान लो बेटा ये सर्कल है. अब इस सर्कल में आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां पर जब चलना शुरू किया तो टाइम था टी वन. चलते 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 आप यहां पर टाइम पर आ गए, इसका नाम हो गया कितना? टाइम टी टू. कितना टाइम लगा बेटा? टाइम लगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन. ओके okay? और इतना चलने में आपने एक एंगल मूव कर लिया, वो एंगल कितना है? थीटा. यस ऑर नो? तो सबसे पहले आपकी एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इक्वल टू चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम. बोलिए यस ऑर नो? ये क्या जनरेट हो गई आपकी? एंगुलर वेलोसिटी. अब देखो बेटा यहां से यहां तक चले हो तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ट्रेवल हुआ है. कहां हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये देखो, ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल टू फाइनल को जो डायरेक्ट जोड़ता है बेटा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. ओके okay, इसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एस से. किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एस से. तो बेटा जो वेलोसिटी बनती है दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. है ना बच्चों? तो दो टाइप की वेलोसिटी बन गई बच्चों. एक बन गई ओमेगा जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो एंगल पर चलती है, और एक बन गई लीनियर वेलोसिटी वी जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर चलती है. अब हमको इन दोनों में रिलेशन बनाना है. हमको इन दोनों में क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है. जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं. इसका डेरिवेशन क्या होता है, कैसे होता है, सीधे रट लो. वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. क्या होता है? सीधे वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. अगर आपने इतना भी रट लिया तो आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक जाने वाला नहीं है. सीधे v इक्वल्स टू आर ओमेगा आपको रट लेना है. अब आइए इसका हम डेरिवेशन आपको करके दिखाते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है. ओके तो क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी का नाम क्या होता है बेटा? वी वेक्टर. और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा वेक्टर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आप लोग जानते हो कि एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. क्लास नाइन्थ का फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. नाउ सो बेटा अगर आपने एक छोटा सा एंगल ट्रेवल किया है, ये देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, अगर r रेडियस पर आपने एक छोटा सा एंगल ट्रेवल किया, उस एंगल का नाम है डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा, तो उस पर आर्क कितना बनेगा बेटा? डेल्टा s बनेगा कि नहीं बनेगा? आर्क क्या बनेगा? डेल्टा s. नाउ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r. ओके तो यहां से r को ले जाइए तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा. देखो आर इसके साथ चला जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डेल्टा एस अकेला हो जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा. ये आ गई वैल्यू. क्लियर है? अब क्या करिए, दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर दो. दोनों तरफ आप क्या करो? टाइम से डिवाइड कर दो. तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इधर भी कर दिया, और आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इधर भी कर दिया. क्लियर है? कर दिया था ना. अब आप जानते हो बेटा ये क्या होता है. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? बोलो. एवरेज वेलोसिटी. क्या होता है? पढ़ाया ना मैंने. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी. और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी हमको किससे लिखते हैं? वी से. आर की जगह आर रख दो और एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? ओमेगा. क्या लिख देंगे? ओमेगा. बोलो आया समझ में कि नहीं आया? कहां से नहीं आया? इस वाले पॉइंट से. ओके चलो ठीक है, इस पॉइंट को मैं अलग से कर देता हूं फिर. क्लियर क्लियर? सो आपने देखा कि एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा. एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क डेल्टा एस. ये आर्क है किनारे, और अपॉन रेडियस कितना होता है? आर. क्लियर? चलिए तो इसको इधर ले जाइए. तो आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस. राइट? दोनों तरफ डेल्टा टी का डिवाइड कर दीजिए. सो आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. देन ये बताइए डेल्टा थीटा बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? बोलिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना.
एंगल में वेरिएशन बट टाइम में वेरिएशन, बोलो प्रियांशु क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया आर ओमेगा, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया? सो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर ओमेगा। बन गया डेरिवेशन, बोलो क्लियर है? सो ये बन गया डेरिवेशन, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। और यदि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वेक्टर वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है? वेक्टर वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि वी वेक्टर यहां पे कैसे जनरेट होगा? द डायरेक्शन ऑफ वी इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इसकी जो डायरेक्शन जनरेट होगी वो राइट हैंड थंब रूल से जनरेट होगी। चलो बताओ प्रियांशु क्या दिक्कत है? क्लियर है? आप बताओ क्या प्रॉब्लम आपको? ठीक है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है ना? एज पर नीट केवल आपको इस फॉर्मूले की डिमांड है, ऊपर की किसी चीज की डिमांड नहीं है, केवल इसी से काम बन जाएगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं, अभी आपने देखा ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अब हम देखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब टोटल कितना एंगल लिया और टोटल कितना टाइम लगा। सो सिंपल यार, टोटल कितना एंगल लिया और टोटल कितना टाइम लगा। तो देखिए ओमेगा एवरेज इक्वल टू टोटल कितना एंगल, फाइनल एंगल कितना था? थीटा टू। इनिशियल एंगल कितना है? थीटा वन। सो फाइनल एंगल थीटा टू माइनस थीटा वन, एंड इनिशियल टाइम का चेंज कितना हो गया? टी टू माइनस टी वन। सो आंसर आ गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यस, तो ये कहलाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। डन, क्लियर? कुछ कोई डाउट है बताइए इसमें? थीटा वन क्या है? एंगुलर पोजीशन है, किस पर? टाइम टी वन पर। और थीटा टू क्या है? एंगुलर पोजीशन है, किस पर? टाइम टी टू पर। मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके से आप डायग्राम मान लो, मान लो कि यहां से पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ और यहां पर टाइम टी वन पर इसकी पोजीशन है थीटा वन, और टाइम टी टू पर इसकी पोजीशन कितनी हो गई है? थीटा टू। तो टोटल एंगुलर कितना ट्रेवल हुआ? ये वाला डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टाइम टी टू माइनस टी वन। तो ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना एंगल ट्रेवल किए हो गिवन टाइम में, इसको बोलते हैं हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज लीनियर वेलोसिटी मैंने क्या पढ़ाई थी? एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वहां पर जब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी बच्चों, वहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे ही यहां पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगल अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। बिल्कुल जैसा वहां था वैसा यहां है, जैसे वहां रिलेट किया वैसे हमने यहां रिलेट किया। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ प्रियांशु, कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? बिल्कुल करा दिया, तो एक बार फिर से बताओ कैसे करेंगे? लिमिट लगा देंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को समेट करके टाइम को जीरो कर देंगे। मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का जो गैप है उसको समेट करके क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। सो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसमें हमने टाइम को किसमें कर दिया? लिमिट कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां भी वेक्टर आएगा और यहां भी वेक्टर आएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। चलिए अब नया टॉपिक शुरू होता है बच्चों, यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो, अगर आपको लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन बड़े आराम से बन जाएगा। बताओ भाई प्रियांशु, लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? बोलो एक्सेलरेशन क्या था? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही, जो एक्सेलरेशन था हमारा बेटा लीनियर एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा था हमने? देखो मैं एक दिखाता हूं यहां पे। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये है एक्सेलरेशन। डन, अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू मैं जीरो कर दूं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किस में बन जाएगा बेटा? डी वी बाई डी टी में। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
एंगुलर एक्सेलेरेशन बेटा इसको डिनोट करते करते हैं अल्फा से, किसे डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं और ऊपर है डेल्टा ओमेगा और नीचे है डेल्टा टी, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और इसी को हम बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो अल्फा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी बन गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? सो बेटा यहां तक क्लियर हो गया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है ना? तो फिर से देखो बेटा क्या है, अल्फा कैसा होता है, एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि ओमेगा एक्सियल है, तो ओमेगा एक्सियल होगा तो अल्फा भी कैसा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके थ्रू दोगे आप, बाय राइट हैंड रूल। अब यदि इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा, तो ओमेगा की यूनिट क्या होती है, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है क्या बेटा, पर सेकेंड। तो ये ऑल टोटल क्या बन जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, ये ऑल टोटल क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी टोटल यूनिट बन जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब बहुत अच्छी काम की मैं बात बता रहा हूं, देखो बच्चों ये चीज लिखी हुई है, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगी। देखो जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल घूम रहा है, इसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी ओमेगा वन, क्या थी स्पीड, ओमेगा वन, तो ओमेगा वन का जो वैक्टर जनरेट होगा बेटा वो कहां जनरेट होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ओमेगा वन कैसा वैक्टर है, एक्सियल वैक्टर है। और अगर फिर इसकी स्पीड बढ़ करके हो गई कितनी, ओमेगा टू, तो ओमेगा टू का भी वेक्टर कहां जनरेट होगा बोलो बेटा, ऊपर की ओर, यस और नो। सो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टाइम, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। तो ओमेगा टू वेक्टर में से अगर ओमेगा वन वेक्टर घटेगा तो जो वेक्टर बनेगा बचेगा वो कहां बचेगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, यहीं कहीं तो नीचे बचेगा ना, बोलो यस की नो। मतलब यदि स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वो ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगी, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगी। और अगर स्पीड घट रही है, पार्टिकल की स्पीड घट रही, तो ओमेगा भी कम होगा। जैसे मान लो कि पहले आपका ओमेगा था कितना, 10 था, कितना था ओमेगा, 10 था, और इसके बाद ओमेगा घट करके, तो ओमेगा का वेक्टर इतना रहा होगा 10, बोलो ये सुनो, और फिर ओमेगा जो है घट करके कितना हो गया, 6 हो गया, पहले 10 था और फिर क्या हो गया, 6 हो गया, तो अब बचा कितना, 4, कितना बचा, 4। तो देखिए क्या लिखा है, अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी और अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी, तो उस समय ये जो डायरेक्शन क्या बन जाएगी बेटा, डाउनवर्ड, क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। क्लियर हुआ, बोलो क्या प्रियांशु, क्या प्रॉब्लम, बोलो, डन ना, चलिए ये हो गया। अब चलिए, अब जो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, अभी आपने इसके पहले रिलेशन क्या डेवलप किया था, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आपने रिलेशन डेवलप किया था, वी थी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा, तो आपने रिलेशन डेवलप किया था वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यस और नो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, या वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, बेटा ये हमने आपको करा दिया है। अब हम रिलेशन डेवलप करा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, तो कहां से टॉपिक शुरू होगा बेटा, यहां से टॉपिक शुरू होगा। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो बेटा हमारे पास जो रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, यस और नो, है ना, और बेटा देखिए ओमेगा भी वेरिएबल क्वांटिटी है और आर भी वेरिएबल क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम लगा सकते हैं डी वी बाई डी टी, देखिए हियर वी इज एन टेंजेंशियल वेक्टर, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, ये क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है बेटा तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुआ करती है, बोलो क्लियर ना, ये होती पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, यस, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है,
एक्सलेशन इक्वल टू कितना होता है डी वी बाई डी टी, तो मैंने क्या करा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको कर दिया मैंने डी बाई डी टी एक्सलेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो मैंने जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दिया डी वी बाई डी टी क्या बन गया ए, और डी वी बाई डी टी इसके ऊपर ऑपरेट होगा डी वाई डी टी, और ये बन जाएगा कितना ओमेगा क्रॉस आर। अब फॉर्मूला लगाइए बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था दो वेक्टर का, दो क्वांटिटी का, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, याद आया? तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाई डी आर बाई डी टी प्लस आर मल्टीप्लाई बाई डी ओमेगा बाई डी टी, क्लियर ना? सो डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं बेटा अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, और ये क्या बन गया ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा क्रॉस आर, देखो बेटा अल्फा क्रॉस आर ये क्या है, अल्फा क्रॉस आर ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो दो प्रकार के एक्सेलरेशन मिला करते हैं, एक होता है अल्फा क्रॉस आर, इसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा ओमेगा क्रॉस वी, इसे बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। आप खुद फील करो एक चीज, देखो एक चीज ऐसे फील कर पाओगे, अगर मैं किसी बॉडी को सर्कल में घुमा रहा हूं, ये घुमा रहा हूं, अगर ये बॉडी जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा है, ये झूले की टोकरी है, बोलो हाँ, तो एक एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ लगता है, जो डंडा जो टोकरी से लगा रहता है जिसके कारण वो घूमता है, बोलो हाँ है ना। अगर वो डंडा टूट जाए तो मोशन होगी क्या झूले की? नहीं होगी। तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन कहलाता है बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू, क्लियर? कल मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देता हूं। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। आप कहोगे सर कल तो आपने पढ़ाया था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर अपॉन आर, आज ये ओमेगा इंटू वी क्यों बता रहे हो? बेटा ला करके मैं दिखा देता हूं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर। तो बेटा मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ओमेगा हो गया वी अपॉन आर, साथ में एक वी और, तो बोलो कितना हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये काम करेगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब जब अपने भाई को बैठाल करके आप टोकरी में झूले पे झुलाते हो, तो टोकरी को तेज घुमाने के लिए जब ये टोकरी यहां पे आती थी उस पर झपट्टा मारते हो ऐसे कि नहीं मारते हो? ऐसे जोर से, हाँ है ना, तभी तो वो और जोर से घूमेगी कि नहीं घूमेगी? मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये देखो ये वेलोसिटी है ना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जा रही कि नहीं जा रही है, ये वेलोसिटी जा रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आप झपट्टा मारते हो तो ये क्या होता है टोकरी और तेज घूमने लगती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हियर एटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा दो प्रकार के एक्सेलरेशन बनते हैं, एक ओमेगा क्रॉस वी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा बनता है अल्फा क्रॉस आर जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हियर अल्फा एटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एसी इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन जाएगा ये दो पार्ट में टूटेगा। देखिए ये नेट एक्सेलरेशन है, इसके दो पार्ट टूट रहे हैं, एक टूट रहा है एसी और एक टूट रहा है एटी। क्लियर हुआ? एसी कहां टूट रहा है सेंटर की तरफ, एटी कहां टूट रहा है टेंजेंशियल, और ये किसकी डायरेक्शन है ओमेगा की, किसकी डायरेक्शन है ये ओमेगा की। क्लियर है? चलो अब बेटा तुम बैठ करके मुझे क्या कंप्लीट करके दिखाओगे, एक बार डेरिवेशन करो कंप्लीट वेलोसिटी का, है ना, ये वाला डेरिवेशन कौन सा, ये वाला, और एक एक्सेलरेशन का, दो डेरिवेशन अपन को बैठ करके करने हैं, ठीक है ना, ये करके दिखाओ, फिर मैं थर्ड काम आपको देता हूँ।